जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपी सिटी न्यूज को। थाना राया क्षेत्र में आने वाले यमुना एक्सप्रेस वे माइलस्टोन 112 पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और कंटेनर ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बताते चले कि यमुना एक्सप्रेस वे माइलस्टोन 112 गाँव ककरेटिया के पास एक तेज़ रफ्तार कंटेनर ने साइड में खड़े दूध के टैंकर में पीछे से टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि दो दूध के टैंकर साइड में खड़े हुए थे और टैंकर का हेल्पर भी पीछे खड़ा हुआ था। तभी कंटेनर ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर लगने से युवक की मौत हो गई। युवक की अभी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। कंटेनर ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। घटना ये हुई थी सर, दूध के दो टैंकर खड़े हुए थे और ये गाड़ी पहले एक नंबर लाइन पर आ रही थी, तो उसमें ये एक लाइन से आके इस लाइन पर आई है लास्ट वाली पे, तो उसमें दूध वाले टैंकर में उसका हेल्पर या उसके टायर में गिट्टी निकाल रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो उसमें बैठी है ये गाड़ी आके दूध वाले टैंकर में, एकदम एक लाइन से आके इस तीसरी लाइन पर पड़ी है। उसमें कोई खत्म भी हो गया है? हाँ जी, एक दो बंदे खत्म हो गए थे।